फ्रेंड्स, सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा है एल&टी जियो स्ट्रक्चर का पूरा यहाँ पे बेसमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पर एल&टी का जियो स्ट्रक्चर कंपनी काम कर रही है। ये है एल&टी का सामने जो आपको दिख रहा है, तो सिलो टाइप के दिख रहे हैं। ये है इसका बैचिंग प्लांट जहाँ पे कंक्रीट और ये सभी स्टोर वगैरह है। और इसके सामने ये जो आपको यार्ड टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे PAC कंपनी है जो कि गाटा के आरक्षण का काम करती है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे एक गाटा रखा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप टंकी के सामने एक गाटा दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पे एक क्रेन लगा हुआ है, उसके बगल में ये वो पूरा CNC द्वारा कटिंग करके ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पे स्टोर की गई है गिट्टी पूरी, देख सकते हैं आप। ये बहुत दूर तक है, करीब 500 मीटर दूर तक पूरा गिट्टी स्टोर किया गया है और बाकी गिट्टी वहाँ होता है बैचिंग प्लांट में, जरूरत जितनी होती है वहाँ यहाँ से ले जाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टॉक किया गया है गिट्टी का। ये पूरा जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी, ये पूरा रेलवे का ही है। यहाँ पे कटनी पे करीब 1/4 भाग रेलवे पूरा कैप्चर करके रखी है। यहाँ पर पूरा गिट्टी है, आगे पूरा बालू रखा गया है और सीमेंट वगैरह का स्टोर वहीं किया गया है जो आपको सामने बैचिंग प्लांट दिख रहा है। यहाँ पे 2 बैचिंग प्लांट है, यहाँ टोटल इस प्रोजेक्ट के लिए 4 बैचिंग प्लांट लगाए गए थे और 2 बैचिंग प्लांट जो हैं दूर दूर हैं। एक जो है मुड़बारा के आसपास है और दूसरा जो बैचिंग प्लांट है वो पाठक कॉलोनी के पास ही है। ये सामने आपको यार्ड दिख रहा है, देख सकते हैं इतना लंबा यार्ड है। यहाँ पे पूरा फैब्रिकेशन का वर्क किया जाता है। ये सामने एल&टी का मेन ऑफिस, ये है आगे है पर डायग्राम, ये एल&टी का मेन ऑफिस।